बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर योर साइंस क्लास एंड वी वर स्टडिंग यूनिट नंबर 2, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। एंड आवर टॉपिक फॉर टुडेज इज हायर ब्लड प्रेशर। हायर ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन या हायर ब्लड प्रेशर, जो बीपी हाई हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? इज़ अ डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर है किस चीज़ का? सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक डिसऑर्डर है। ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाई ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। और ब्लड प्रेशर क्या है? अब प्रेशर से आपको पता चल रहा है किसी चीज़ पे प्रेशर डालना, दबाव डालना। ये वो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फोर्स है ये। एग्जर्ट होते लगाना। ब्लड प्रेशर क्या है? इसी अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाई द ब्लड, जो ब्लड एग्जर्ट करता है, लगाता है कहाँ पे? आर्टरीज की वॉल्स पे। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120/80 होती है, ठीक है ना, बीपी की। बहुत से आप बच्चों को पता भी होगा, इफ़ अ ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर किसी भी पर्सन का वो नॉर्मल वैल्यू से अबव रहे, तो इस कंडीशन को हम हायर ब्लड प्रेशर कहेंगे या हाइपर टेंशन कहेंगे। 120 हो गया, जैसे 120 से ज़्यादा होगी 130, 140, 160, 170, ठीक है, इसी तरह से 80 के अबव 90 आ गया, 100 आ गया, इस तरह से अगर हो तो उसको हम हायर ब्लड प्रेशर कहेंगे। टू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स एंड द रिजल्ट मे बी द फेलियर ऑफ किडनीज एंड हार्ट। अब अगर ब्लड प्रेशर मोस्टली इंक्रीज रहे तो क्या होगा? ब्लड जो वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, और ब्लड वेसल्स डैमेज होने के नतीजे में हमारी किडनी फेल हो सकती हैं और हार्ट भी फेल हो सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर में हैव द सिम्टम्स सच एज हेडेक, उसके सर में, उनके सर में दर्द रहता है, फटीग, थकन होती रहती है, ब्लड वीन मतलब धुंधला उनको नज़र आता है, नोज ब्लीड्स, नोज में से ब्लड आता है। और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, मतलब ये किस वजह से हो सकता है? फूड्स हाई इन फैट, ऐसी चीज़ें जिसमें हम फैट ज़्यादा लें तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। ज़्यादा नमक लेने से, ज़्यादा सॉल्ट लेने से हो सकता है, स्मोकिंग करने से। ओबेसिटी होता है मोटापा, अगर आपको आ जाए तो मोटापे की वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज़, अगर आपको शुगर है तो हो सकता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। एट्सेट्रा रेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसमें आपके पास तीन क्वेश्चन है, वट इज़ हाइपर टेंशन या वट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, तो इसका आंसर यहाँ से आएगा, ये फर्स्ट पूरा पैराग्राफ, ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 5 लाइन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर टेंशन, तो इसके सिम्टम्स में ये आएगा, हेडेक, फटीग, ब्लड वीन, नोज ब्लीड एट्सेट्रा। एंड वट आर द कॉजेज ऑफ ब्लड प्रेशर, ये लास्ट टू लाइन्स हैं, ये कॉजेज हैं, वट आर द कॉजेज ऑफ ब्लड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये एक आपको इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर, इसको कैसे पढ़ेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। आप लोगों के घरों में भी ये होगा और आप लोगों को करना भी आई होप आता होगा। नेक्स्ट है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसमें क्या है? स्मोकिंग कैन कॉज हार्ट डिजीज, स्मोकिंग का हमें पता है कि हार्ट डिजीज कॉज कर सकते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट अ पर्सन हु स्मोक्स इज़ मोर लाइकली टू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम्स दैन समवन हु डज नॉट स्मोक। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्मोक करता है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के। अ केमिकल इन तंबाकू स्मोक, और तंबाकू स्मोक में केमिकल होता है जो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ स्मोकर में इंक्रीज, और जो स्मोकर होते हैं जो उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, दी हार्ट वर्क्स हार्डर, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हार्ट बहुत मतलब हार्डली वर्क करता है टू पम्प ब्लड थ्रू दीज नैरो वेसल्स। हार्ट पेशेंट्स आर आल्सो आस्क नो टू स्मोक, इसलिए हार्ट पेशेंट को कहा जाता है कि आपने स्मोक बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, आगे क्वेश्चन है कि वाई सिगरेट ब्रांड्स शुड नॉट बी एडवर्टाइज। सिगरेट ब्रांड्स जो है वो एडवर्टाइज, उनकी मशहूरी क्यों नहीं की जा सकती? वो इसी वजह से है कि इससे मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इससे डिजीज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों की जड़ है स्मोकिंग। नेक्स्ट इज़ योर असाइनमेंट टाइम, लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, 4 लाइन मैंने आपको बता दी इसका आंसर, व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। लेक्चर को ध्यान से सुने, क्वेश्चन कोई है तो पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।